फिर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई है, जिसका सबूत भी अब सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये वीडियो है, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। दरअसल प्रयागराज से भिवानी के लिए रवाना हुई कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ये घटना हुई है। ट्रेन जब कानपुर के शिवराजपुर के रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो वहां ड्राइवर को पटरी पर सिलेंडर रखा दिखा। इसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, लेकिन रफ्तार होने की वजह से ट्रेन का इंजन सिलेंडर से टकरा गया। इसके बाद सिलेंडर उछलकर दूर गिरा। ट्रेन से टकराने के दौरान सिलेंडर फटा नहीं, नहीं तो रेल की पटरी धमाके से उखड़ जाती और इंजन सहित बोगियां पटरी से उतर जाती और काफी नुकसान होता, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। छानबीन के दौरान पास से टकराए सिलेंडर के अलावा पेट्रोल बम, माचिस और एक झोले में पाउडर जैसी चीज मिली है। इस घटना की पूरी जानकारी कानपुर के एसीपी हरीश चंद्र ने दी। रेलवे की अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर RPF के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जाँच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आशंका है कि साजिशकर्ता ट्रेन पलटने का इंतजार कर रहा था। हालांकि साजिशकर्ता एक थे या कई, इस परिस्थिति साफ नहीं है, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई। फिलहाल ATS की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। देश में आए दिन हो रहे ट्रेन हादसों को लेकर साजिश की बात कही जा रही है। पिछले महीने भी कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच पटरी से उतरे थे। उस हादसे में भी ट्रैक पर बोल्डर रखने की बात सामने आई थी। ट्रेन के ड्राइवर ने तब ट्रैक पर बोल्डर देखकर ब्रेक मारा था, लेकिन पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली और 20 से 22 डब्बे पटरी से उतर गए थे। उस हादसे की जांच में पुलिस के साथ ही IB को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब तक उस मामले में कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि इस बार ट्रेन हादसे में सबूत भी मौजूद है और अब पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है।